एकोंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। साथ वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर परविंदर शर्मा जी, डॉक्टर आशीष कंधवे जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, जो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में कुलपति पद पर आसीन है और हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले डॉक्टर आशीष कंधवे जी से अनुरोध करूंगा, जो स्वयं कवि हैं, संपादक हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, हिंदी भाषा और साहित्य व संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पबद्ध हैं। आप गगनांचल पत्रिका के वर्तमान में संपादक हैं, साथ ही आधुनिक साहित्य पत्रिका के संस्थापक संपादक भी हैं। यह पत्रिका भारत ही नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन से भी लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर आशीष कंधवे जी से अनुरोध करूंगा कि आप गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन और साहित्य पर हम सबके समक्ष प्रकाश डालें। आदरणीय कंधवे जी, नमस्कार। सबसे पहले आप कटारिया जी का फोन आ रहा है, जरा देख लीजिए, निगम पार्षद है। विकास जी, अभी वेबिनार चल रहा है जी। आप सबको प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की हरियाणा इकाई के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के जो हमारे संचालक महोदय हैं, आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी, सबसे पहले मैं उनको सूत्रधार के रूप में प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय कुलपति राम सज्जन पांडे जी उपस्थित हैं, आपको सादर प्रणाम। हम सबके मार्गदर्शक और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रवीण आर्या जी भी हमारे साथ हैं, प्रवीण जी को भी नमस्कार। मैं नीलम राठी जी को भी देख पा रहा हूँ, नीलम जी हैं। आशीष मिश्रा लंदन से हैं और भी बहुत सारे चिर परिचित सुपरिचित लोग आज के इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नहीं बोलिए, बाहर जाना पड़ेगा। मित्रों, आज का विषय बहुत ही समीचीन, बहुत ही सार्थक और समय के मांग के अनुरूप है। हम आज एक ऐसे संत पुरोधा पे बात करने के लिए, एक ऐसे दिव्य स्वरूप के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने वर्तमान भारतीय परिदृश्य को रचा है, उसको जिया है और उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम सब बात कर रहे हैं आज गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरण उत्सव। शायद योगेश जी ने अभी कुछ और बोला था, मैं थोड़ा हिचक गया कि शायद कुछ विषय में परिवर्तन हो गया, पर जो यहाँ लिखा है मैं उसको ही मानूंगा। गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरणोत्सव कार्यक्रम की ये श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत आज का ये व्याख्यान जो है मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
सबसे पहले तो मैं सभी माननीय जितने भी उपस्थित विद्वान हैं उनको प्रणाम करता हूं और ये बताना चाहता हूं बिना किसी संकोच के कि मैं इस विषय का कोई बहुत अनुभवी वक्ता या ज्ञाता नहीं हूं। मैं अपने अनुभव से जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसी के अनुरूप अपनी बात को रखूंगा। गुरु नानक देव अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। विषय क्या कहें, विषयों के विषय हैं। ये इतना विस्तार बड़ा से भरा हुआ विषय आज का ये है, गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन और उनका साहित्य। मैं तो ये समझता हूं कि शायद किसी एक पक्ष पे हम लोग बात करते वही बहुत बड़ा पक्ष था उनका जीवन दर्शन। जैसे हम एकात्म मानववाद पे अगर बोलने के लिए खड़े हुए या हम उस पर चर्चा करते हैं तो हमारे को कम से कम घंटा दो घंटा तो उस परिदृश्य को बताने और समझाने में लग जाता है कि आखिर एकांत मानववाद है क्या। इसी तरह से मैंने गुरु नानक देव जी को जो पढ़ा, चूंकि मैं मूलतः हूं तो मथुरा से लेकिन मेरा जन्म पटना में हुआ है इसलिए मैं अपनी मातृभूमि बिहार को ही कहता हूं और गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली वहां रही है, तो बहुत निकटता से मैंने इस धर्म को भी देखा है और हमारे मोहल्ले में बहुत आयत में सिख समाज के लोग रहते थे। मैं अपनी बात पटना के उस गली से शुरू कर रहा हूं जिस सड़क का नाम गोविंद मित्रा रोड हुआ करता था। बंगालियों का मोहल्ला था लेकिन ज्यादातर वहां पे आबादी सिखों की थी, आज भी सिखों की ही आबादी है और उनके बीच में ही हमारा बचपन गुजरा है और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो सबसे पहली बात हमने उनसे सीखी वो यह है कि कम से कम में ना के बराबर भी अगर आपके पास संसाधन है तो उसमें जीवन को कैसे जिया जाता है और अपने आप को खुश कैसे रखा जाता है। यानी ये जो जीवन दर्शन है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, शायद वहीं से ये संप्रेषित हुआ और पूरे सिख समाज में इस कदर अपना स्थान बनाने में सफल रहा। एक ऐसी विचारधारा की स्थापना गुरु नानक देव जी ने अपने वाणी से अपनी विचारधारा से की जो समाज की समरसता को ध्यान में रख करके ऊंच नीच जात पात छुआ छूत जैसे अनेक आडंबर और कुरीतियों को हाशिए पर रख करके हासिल की बात की उन्होंने। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। गुरु नानक जी का जो दर्शन है उसको मैं कहता हूं, मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया था। वैसे मैंने एक बार एक आख्यान में जो गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार में दिया जा रहा था वहां भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैंने सुना था, पर वो शब्द मेरे दिमाग में इसलिए और ज्यादा प्रविष्ट हो गए और बहुत स्थायी रूप से स्थान बनाने में सफल रहे क्योंकि वो शब्द बड़ा ही आकर्षक था और वो था व्यवहारिक अध्यात्मवाद। गुरु नानक का व्यवहारिक अध्यात्मवाद। अब देखिए विचारधारा पे बात करनी है हमें, गुरु नानक देव जी के जो जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन का जो निहितार्थ होता है वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित, उस व्यक्ति के द्वारा क्रियान्वित और उस व्यक्ति के द्वारा समाज को किए गए परिष्कार के उपक्रम में जो बातें कही सुनी और बताई जाती हैं और बाद में जिसे लिखी जाती हैं वही उस व्यक्ति की, उस संस्था की या फिर उस बिरादरी की, उस धर्म की या उस राष्ट्र की विचारधारा के रूप में पहचानी जाती है। यानी कहीं ना कहीं जीवन दर्शन जो है, यानी जब हम दर्शन के पक्ष पे आकर के हम बात करते हैं तो उसके निहितार्थ में, उसके अंतःकरण में हम जीवन दर्शन की बात को लेकर के आते हैं और उसको विचारधारा से जोड़ करके अपनी बात कहते हैं। गुरु नानक जी का जो विचारधारा है, जो उनका मंतव्य है, जो उनका उनको पढ़ने से जो आरंभिक रूप से एक साधारण आदमी जब प्रभावित होता है तो उसके मन में जो बातें आती हैं मैं उसी पर चर्चा करूंगा। यानी गुरु नानक देव जी के व्यवहारिक अध्यात्मवाद, मेरे ख्याल से ये उनकी मूल विचारधारा है, व्यवहारिक अध्यात्मवाद। चूंकि गुरु नानक देव जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, अध्यात्म ही उनके चरम पे थी, अध्यात्म ही उनके मस्तिष्क के परम पे थी और अध्यात्म ही उनके जीवन के हरेक क्रियाकलापों में प्रस्फुटित हुई है।
तो अध्यात्म के माध्यम से ही हम उनको परिभाषित करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि व्यवहारिक अध्यात्मवाद इनकी विचारधारा का सबसे प्रमुख और प्रबल अंग के रूप में देखा जा सकता है। मित्रों, उस समय ऐसी स्थिति थी जब धार्मिक कट्टरता का वातावरण भारतवर्ष में अपने चरम पे था। हमारी मौलिक उद्भावनाओं का नाश हो रहा था, हमारी मौलिक विचारधाराएं, हमारी परंपराएं, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी एक ऐसी प्रकृति जिसमें सबको साथ लेकर के चलने की जिज्ञासा, निष्ठा और प्रण होता था, उसका ह्रास शुरू हो चुका था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी का आविर्भाव होता है, उनका अवतरण होता है। अवतरण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु नानक श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ यानी ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य, जब लोग कहते हैं ईश्वर तुल्य है तो मैं ये कहता हूं कि फिर तुल्य हटा दीजिए, वो ईश्वर के स्वरूप ही है, स्वयं ईश्वर है। ऐसे ईश्वरीय व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो समाज के पूरी विचारधारा को बदल के रख दे और सिर्फ राष्ट्र की सीमाओं में ही नहीं बल्कि भौगोलिक सीमाओं को तोड़ करके विश्वव्यापी अपने प्रभाव में उस जनमानस को ले ले, उस जन चेतना को ले ले, ऐसे अगर व्यक्ति का पिछले कुछ सौ सालों में अगर प्रमुखता से नाम लिया जाए तो उसमें सबसे प्रमुख लोगों में गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक जी ने सबसे पहला काम किया कि जो धर्म की परिभाषा थी उससे कट्टरता नाम के शब्द को हटा दिया, यानी धार्मिक कट्टरता के वो बिल्कुल खिलाफ थे। उनके दर्शन का जो प्रमुख अंग है उसमें से एक अगर हम धार्मिक, चूंकि अध्यात्म पे ही बात होगी और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत साहित्य पे हम लोग बात कर पाएंगे, तो उन्होंने उस जो एक धार्मिक कट्टरता थी उसको हटा करके और सन्यास के अर्थ को भी बदला और उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे एक व्यक्ति सांसारिक सुखों का, सांसारिक उपलब्ध वस्तुओं का उपभोग करते हुए सन्यासी के रूप में समाज कल्याण के काम को, समाज के उत्थान के काम को कैसे पूरा का पूरा चरितार्थ कर सकता है, कैसे उसको संपन्न करा सकता है, इस दृष्टिकोण से उनकी बात शुरू होती है। अर्थात कहीं ना कहीं गुरु नानक जी हमारे सनातन धर्म की जो प्रवृत्तियां थी उसके मूल उत्स को लेकर के चले। चूंकि हिंदू धर्म से ही सिखिज्म का संबंध रहा है और वहीं से उसकी उद्भावना भी हुई है, ये अलग बात है कि गुरु नानक देव जी और सिखिज्म में मूर्ति पूजा और उस तरह की उपासना नहीं है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे सब कुछ हैं और हम उनको एक भगवान और गुरु के रूप में उनका हम पूजन करते हैं। लेकिन इन सारी सिद्धांतों की प्रतिस्थापना के निहितार्थ में जो चीज थी वो थी प्राणियों का कल्याण, यानी जनमानस, जन चेतना, जन समूह जो सृष्टि पर उस भूखंड पे है उसके कल्याण की बात ही सबसे प्रमुखता से उनके मन में रही होगी। मित्रों, वो उस समय एक ऐसे काल में गुरु नानक जी जब रहे तो उस समय हिंदू मुस्लिम का विद्वेष भी बहुत जबरदस्त था, तो कहीं ना कहीं उनकी अवचेतन में, उनके चेतन में ये बात भी बहुत मजबूती के साथ चल रही होगी, कोई ना कोई द्वंद्व चल रहा होगा कि एक राष्ट्र में जब ये दो तरह के संप्रदाय हैं तो उन दोनों संप्रदायों के बीच की जो कटुता है, जो अमानवीय कार्य है, उनको भी कैसे रोका जाए, उसको कैसे परिमार्जित किया जाए और लोगों को एकता के साथ एक सूत्र में बंध करके रहने की शिक्षा कैसी दी जाए, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत गहनता के साथ अपनी बात कही और उस पे उनके जीवन दर्शन में इसका बहुत मजबूत पक्ष दिखाई देता है। सनातन संस्कृति में एक तरह के मत की स्थापना शुरू से रही है और उस सनातन संस्कृति का जो मत था, जो विचारधारा थी हमारी, उस विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द आता है जिसको कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी उक्तियों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से बहुत मजबूती के साथ प्रतिपादित करने में सफल रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिकता के वेश में वो पूजा पाठ, जप तप और बहुत तरह के आडंबरों से बचने की भी बात करते रहे और उन्होंने कहा कि इन सब से ऊपर है मनुष्यता, यानी सनातन को
मनुष्यता के पक्ष को सबसे श्रेष्ठ, सबल और प्रबल माना, उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि मनुष्यता का पक्ष यानी सबका सुख, सबका हक और सबकी चिंता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही उनके चिंतन में। मित्रों, उन्होंने एक ऐसे सत्य की खोज, मैं तो कहूंगा सत्य का अन्वेषण कर दिया, जिसमें सामाजिक समरसता का मूल सिद्धांत छुपा हुआ था। और ये मूल सिद्धांत उन्होंने सिखिज्म के तौर पे या फिर उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम प्रतिपादित किया, जिसमें बहुत ही सरलता के साथ ये कहा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा जप तप करके, बहुत बड़ा अनुष्ठान करके, बहुत बड़ा हवन यज्ञ करके उस श्रेष्ठ स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है जो कि उस बीमार की सेवा करके पाया जा सकता है, उस असंतुष्ट को, एक भूखे को रोटी खिला करके पाया जा सकता है, और समाज के उस वर्ग को जिसको अछूत कहते थे, जिनकी चिंता समाज लगभग न के बराबर कर रही थी या हाशिए पे छोड़ दी गई थी, उन उस वर्ग की एक संपूर्ण चिंता को लेकर के जो उनकी विचारधारा समाज को मिली है वो अभूतपूर्व, अलौकिक और सार्थक है। हम लोगों ने उनके जीवन दर्शन के बारे में, मैं ये कहूंगा कि नानक जी सर्वेश्वरावादी थे, सर्वेश्वर की पूजा करते थे, सभी सभी को उन्होंने उतना ही महत्व दिया, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो या फिर और भी कोई धर्म हो, जिसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर चर्चा तो अपने साहित्य में नहीं की है, पर हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो बात उन्होंने की है, मूर्ति पूजा को निरर्थक उन्होंने माना था, लेकिन धर्म को उन्होंने कभी छोटा या बड़ा नहीं कहा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे फिर वो इस्लाम धर्म हो। उनके अनुसार जो कुसंस्कार थे हमारे, कुरीतियां थी हमारी, उसको दूर करना ही उनका मौलिक, उनकी मौलिक उद्भावना थी, और उसको हम बाह्य ही नहीं बल्कि आंतरिक जीवन में कितना समाहित करके अपने नित्य प्रति जीवन में उसको कैसे समाज के सामने लाते हैं, या फिर हम उस पर कितना चलते हैं, कितनी मौलिकता के साथ उस विषय को जिसको हमने पढ़ा और सुना उसको आत्मसात करते हैं, इसके वो बहुत बड़े पक्षधर थे। मित्रों, मैं गुरु नानक देव जी का कोई इतिहास या फिर उनसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ें नहीं कहने जा रहा हूं जो बहुत सरलता के साथ समाज में लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर कहूंगा कि 7-8 साल की उम्र में जब उनका स्कूल छूट गया था और भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्नों के आगे जो उनके मन में प्रश्न उठते थे, उसके आगे अध्यापकों ने भी, उनके जो अध्यापक थे उस समय में रहे होंगे, सब ने हार मान ली थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब किसी घर में नहीं रहूंगा और भ्रमण पे निकल जाऊंगा। सबसे बड़ी जो चमत्कारी घटना मैंने उनके बारे में सुनी वो ये थी कि बचपन में एक बार नानकी तथा गांव के शासक जो राय बुलार प्रमुख थे, उनके उन्होंने देखा कि उनके छत्र पे सर्प की या फिर नाग की या फिर शेष नाग, जो भी आप कहें, उसकी कोई छाया, जैसा मैंने कहानियों में, चूंकि मेरी दादी इसी भाषा में बात करती थी, गुरुमुखी लिखती थी और गुरुमुखी बोलती थी, तो कुछ कहानियां उन्होंने सुनाई थी जो आज तक हम लोगों को याद है। तो उन्होंने कहा कि वो छत्र, जिसे आप शेष नाग भी कह सकते हैं, जिस पर पृथ्वी पूरी की पूरी पृथ्वी थमी हुई है, वो उनके ऊपर दिखाई देता था। उसके बाद से गुरु नानक को एक भगवान के रूप में, एक संत के रूप में, एक मसीहा के रूप में समाज में पूजा जाने लगा। गुरु नानक जी का जो दर्शन है वो उनके व्यक्तित्व से बहुत सीधे तौर पे दिखाई देता है हम सबको, क्योंकि उन्होंने, भाई साहब मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है जी। अच्छा, मुझे लगा कि आवाज आनी बंद हो गई क्या। गुरु नानक जी ने वास्तविक जीवन के उन रहस्यों को हम सबके सामने ला करके रख दिया, जिसमें उस समय का समाज संलिप्त था, यानी जहाँ पे एक और मैं उनकी विचारधारा के बारे में, अगर हम उनके स्थापनाओं के बारे में बात करेंगे, तो नारी को हम बहुत पिछड़े दृष्टिकोण से उस समय में देखते थे, और ऐसे समय में नानक
ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में स्त्री के सम्मान को परम सम्मान के रूप में पहचाना और उसे स्थान दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। इसी तरह उन्होंने पशु पक्षियों से लेकर के जीव जंतुओं से लेकर के जितने भी सृष्टि में जीव उपलब्ध थे उन सब के लिए अपने चिंतन में कहीं ना कहीं स्थान दिया और जीवन को हर तरह के आडंबरों से मुक्त होकर के जीवन के अनुभवों के आधार पर सामाजिक विद्रूपताओं को खत्म करके ऊंच नीच जाति पाति जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने थे उनसे ऊपर उठ करके एक ऐसे दर्शन को प्रतिपादित करने और एक ऐसी विचारधारा को हम सबके जीवन के सामने लाने का काम किया जिसे हम सब व्यवहारिक आध्यात्मवाद के रूप में देख सकते हैं। दरअसल गुरु नानक जी व्यक्तित्व से दार्शनिक योगी गृहस्थ धर्म सुधारक समाज सुधारक कवि देशभक्त विश्व बंधुत्व की भावना से अभिप्रेरित ऐसे न जाने कितने विशेषण हैं जो उनके लिए मैं लगा करके बात कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ क्या है तो सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में दो शब्दों में दे दी और समझने वाले के लिए वो दो शब्द ही इतने व्यापक और इतने बड़े दृष्टिकोण को समेटे हुए थे कि अगर हम उसका शुद्ध मन से सिर्फ उच्चारण कर लें तो हम बहुत सारी बातों को उनके सिद्धांत के अनुरूप समझ पाएंगे और वो दो शब्द थे एक ओंकार। उनकी विचारधारा से निकला हुआ प्रस्फुटित ये वो शब्द है जिसे दो शब्द में ही आप समस्त सृष्टि के समस्त समष्टि के उद्भावनाओं को समस्त सृष्टि के एक रूपता को और समस्त सृष्टि के कल्याण को दो शब्दों में अगर आप परिभाषित कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं एक ओंकार। इस एक शब्द में आपके भीतर की जितने भी अहंकार हैं आपके भीतर की जितने भी विद्रूपताएं हैं आपके भीतर उत्पन्न होने वाले जितने भी लोभ हैं जितने भी मानसिक उत्पीड़न आपके भीतर उत्पन्न होता है और जो आप दूसरे लोगों को देते हैं उन सब का अगर कोई रामबाण सूत्र है तो वो है एक ओंकार। मित्रों उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया जा सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनके साहित्य में उनके साहित्य का पहला प्रकाशन शायद गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाशन 16 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ था और गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द 19 रागों में गुरबानी के रूप में शामिल है जिसमें जप जी सुहाली दखनी ओंकार आसादीवार आदि बारहमासा आदि प्रमुख हैं। लेकिन मैं इस तरह का इस विषय का मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ प्रवीण जी और जिन लोगों ने मुझे पहले वक्ता के रूप में भी बुलाया मैं उनसे भी ये कहा था कि मैं इस विषय का कोई बहुत परिपक्व जानकार नहीं हूँ पर जो जितना अनुभव पढ़ करके कुछ लेखों को मैंने पढ़ा कुछ उनके संबंध में साहित्य को मैंने पढ़ा और चूंकि हम लोग एक ऐसे परिदृश्य में रहते हैं जहाँ पे गुरु नानक देव जी के बारे में सुनते गुनते बुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं तो उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु नानक देव एक ऐसे संत थे एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक ऐसे संत के रूप में एक ऐसे अवतारी पुरुष के रूप में स्थापित करने में सफल और सजग रहे जो विश्व के कल्याण के लिए अति आवश्यक था और जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ऊंच नीच जात पात मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दो उदाहरण जरूर दूंगा। देखिए पंजाब में आप जब जाएंगे तो पंजाब की जनता के बीच में आप घूमें पंजाब का आप दौरा करें जो पंजाब से लोग होंगे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे जो सामाजिक बुनावट है जो सामाजिक चेतनाएं हैं और जो समाज में रहने का मिलने जुलने का तरीका है वो बिहार उत्तर प्रदेश और साउथ दक्षिण भारत से बहुत अलग है। वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता
किसी भी तरह का ऊंच नीच, कोई ये नहीं कहता कि मैं इसके घर का खाना नहीं खाता, कोई ये नहीं कहता कि ये मेरे दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता, कोई ये नहीं कहता कि इस ग्लास में उसने पानी पी लिया तो अब इस ग्लास का उपयोग हमारे घर में नहीं होगा। ये पंजाब की उपलब्धि है, ये पंजाब की उपलब्धि है सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु नानक देव ने उनको उस समय में जो भारत अंतर्द्वंद से जूझ रहा था, भारत इस्लामिक वार से जूझ रहा था, इस्लामिक बहुत तरह के सांस्कृतिक ह्रास उस समय जब हम लोगों का हो रहा था, ऐसे समय में उन्होंने इस तरह की मनोभावनाओं को इकट्ठा करके उस समाज को इकट्ठा कर दिया, एक वर्ग को इकट्ठा कर दिया जिसमें भारत की मूल कुरीतियां नहीं थी। जब आप बिहार में जाएंगी तो वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि विनोबा भावे और गांधी के प्रभाव से और भी कुछ संत महात्माओं के प्रभाव से उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में कुछ इस तरह की छुआछूत की और जातपाती की जो उद्भावनाएं ये कम हुई, लेकिन उसको सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, आज भी स्वीकृत नहीं है। और दक्षिण भारत के लिए तो मैं अभी भी कहता हूं कि दक्षिण भारत में अभी भी वो कट्टरता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सामाजिक विद्वेष के मामले में, जात पात ऊंच नीच के मामले में वो कट्टरता आज भी विद्यमान है। इसलिए मैं पंजाब के समाज को, उस क्षेत्र को जहां गुरु नानक देव जी का प्रभाव रहा, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के तिब्बत से लेकर के ईरान से लेकर के और भी मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रियों में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और एक बार जब वो तिब्बत गए थे तो वहां के लामाओं से जब मिले तो उन लोगों ने कहा कि आप मोक्ष की प्राप्ति में यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने कि मैं मोक्ष की प्राप्ति में यहाँ तिब्बत नहीं आया हूँ, मोक्ष तो मुझे वहीं मिल जाता, मैं तो तुम्हारे यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम लोग जिस मोक्ष की प्राप्ति में इतनी ऊंचाई पे बैठ करके तपस्या कर रहे हो और वहां तुम्हारा शासक कातिल हुआ पड़ा है, वो निहत्थे लोगों को, ऐसे लोगों को मार रहा है, उनको बचाना, उनके जीवन की रक्षा करना, उन माँ बहनों की जो दुनिया है उसको सजाए और बचाए रखना आवश्यक है, या तुम्हारा यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति करना आवश्यक है। इनके इस वचन से उन लामाओं का भी ज्ञानवर्धन हुआ, उनके मानस के पटल खुल गए और उन्होंने भी उसके बाद अपने समाज और अपने देश की चिंता करनी शुरू की। इसलिए आडंबर से बहुत दूर, ऐसे किसी भी बात को गुरु नानक देव जी ने अपने साहित्य के माध्यम से या फिर अपने विचारधारा के माध्यम से बिल्कुल कहीं भी प्रतिस्थापित नहीं किया है जिसमें वो किसी भी तरह के आडंबर के पक्षधर रहे हों। मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतीय गुरु नानक देव जी का जीवन भारतीय सनातन परंपरा की वह उत्कृष्ट दृष्टि है, उस उत्कृष्ट दृष्टि को प्रतिपादित करती है जो इस्लाम के संक्रमण काल में भारतीय चेतना के आत्मबोध को कराने में और जगाने में सफल रहा, तथा हिंदू और इस्लाम दोनों के बीच में एक ऐसे सेतु का निर्माण कर दिया जिससे बंधुत्व की भावना जगी। एक ही ईश्वर है, उन्होंने इस मौलिक उद्भावना को भी पुनः स्थापित किया, और धर्म के नाम पे लड़े जाने वाले जो सामाजिक विद्रोह थे, जो युद्ध थे, या फिर धर्म के नाम पे किए जाने वाले जो हत्याएं थी, जो उत्पीड़न थे, उन सबको कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। यह अलग बात है कि इन सारे प्रयत्नों के बाद भी इस्लाम और ईसाइयत ऐसे थपेड़ों के खाने के बाद भी अपने आप को बचाने में सफल हो गए, पर अगर गुरु नानक देव न होते तो शायद आज का जो भारत है उसका ये परिदृश्य नहीं होता। उसके मौलिक परिदृश्य में, उसकी मौलिक समाज बनावट में कुछ ना कुछ विकृति और आ जाती है। इसलिए वर्तमान के अगर किसी को मैं सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में देखता हूं 15वीं शताब्दी के बाद, तो वो एक ऐसे संत हैं जिन्हें हम गुरु नानक देव के रूप में अंकित करते हैं, उनको जानते हैं, उनको पूजते हैं, और उनके हम सब ऋणी हैं कि उन्होंने अपने अकल्पनीय बलिदान से बार बार अपने द्वारा मानसिक, शारीरिक और वैचारिक बलिदान से भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठ गुणों को ही संवर्धित नहीं किया बल्कि उसको पुनः स्थापित करने का काम किया और एक ऐसे नव जीवन, नव यौवन से इस देश को भर दिया जिसके कारण आज भी भारत अक्षुण है और भारतीय परंपराएं जीवित हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे या फिर एकेडमिक्स के स्तर पे या फिर रितिकाल भक्तिकाल के साहित्य के स्तर पे अगर किसी को बात करनी होगी तो निश्चित रूप से वो कॉलेज
या यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर या लेक्चर या हमारे कोई और व्यक्ति हैं, नीलम जी हैं, ऐसे लोग करेंगे, पर मैंने तो अपनी बात उस परिदृश्य में रखा है जिस परिदृश्य को मैंने समझा है, देखा है, जिया है, और एक आम आदमी जिन अनुभवों से होकर के गुजरता है उस दृष्टिकोण से मैंने गुरु नानक देव जी को देखा, और उनके को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। योगेश जी मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि मुझे फिर दूसरे सेमिनार में बैठना है। 5 मिनट केवल में बोलूंगा। हाँ तो फिर बोलिए ना। अच्छा, अनाधिकार श्रेष्ठा के लिए संचालक महोदय से और मॉडरेटर अपने संचालक महोदय से संतोष जी से क्षमा प्राप्ति होते हुए मैं केवल 5 मिनट ले रहा हूँ। आदरणीय बड़े भाई आशीष कंधे जी और डॉक्टर परमिंदर शर्मा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर रामसंजन पांडे जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी, और बड़े ही हर्ष का विषय आज की वेबिनार में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर लगभग 50-60 से ज्यादा लोग यानी हरियाणा प्रांत के समस्त कार्यकारिणी हमारे साथ जुड़ी हुई। कोरोना काल से पहले से ही निश्चित था कि मैं आपके हरियाणा प्रांत में हर जिलानुसार प्रवास करूंगा, किंतु कोरोना काल प्रारंभ होने से मैं 29 मार्च का मेरा प्रवास था रोहतक, लेकिन वो रद्द हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये संयोग देख लीजिए कि चाहे कोरोना आया लेकिन कोरोना के साथ ये नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि हम कार्यक्रम पर कार्यक्रम हम देते जा रहे हैं। हरियाणा प्रांत 1 महीने में 3-3 कार्यक्रम दे रहा है। ये बड़ा एक अच्छी टेक्नोलॉजी की वरदान हमारे लिए साबित हुई है। हरियाणा प्रांत के साथ मेरी कमिटमेंट है, मेरा प्राथमिकता है कि मैं जिलानुसार समाप्त होने के बाद आपके बीच में प्रवास में रहूंगा। कार्यक्रम की योजना अभी से बनानी प्रारंभ कर दें। प्रोफेसर रमेश शर्मा जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी पर केवल ये जो संगोष्ठी एक संगोष्ठी नहीं, हम इसको और जिलानुसार या एक विभाग अनुसार 4-4, 5-5 जिलों में एक हम संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय को दें। इसके लिए मैं संस्कृति मंत्रालय का इंदिरा गांधी कला केंद्र आज किन परिस्थितियों में काम कर रहा है मैं उनको नतमस्तक हूँ। एक दिन में 4-4 वेबिनार हो रही हैं। हमने कभी इतनी कल्पना नहीं की थी कि हमें इतने प्रस्ताव हमें मिल जाएंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से भी अभी तक 40 से ऊपर वेबिनार प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से हम लगभग 10 ही हम अभी कर पाए हैं। अभी 30 हमारी पेंडिंग है, लेकिन 31 मार्च तक डेडलाइन थी, लेकिन अभी हम सलाह कर रहे हैं इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जो भी हमारे प्रांत रह गए हैं उनको जो भी हमारे पास प्रस्ताव है प्रायोरिटी पर दिल्ली, बंगाल और अपना महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली की 3 संस्थाएं, अदिति कॉलेज भी है उसमें, तो दिल्ली की 3 संस्थाएं, ये सब हम साहित्य परिषद की कोलैबोरेशन से कर रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और अपना इंदिरा गांधी कला केंद्र के सभी, मैं एक एक व्यक्ति का जिसका नाम हो, चाहे वो अरविंद शर्मा जी हो, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हो मुख्य समन्वयक, अभिजीत जी हो, चाहे संतोष जी हो, चाहे राजदीप जी हो, और हमारे राष्ट्रीय सिख संगत के हमारे सह संगठन मंत्री चाहे जसवीर जी हो, राष्ट्रीय सिख संगत के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे गिल साहब, सबका गजब का अपना मेहनत लग रही है इस सबको पूरी तैयारी के लिए, सबके साथ अपना कोऑर्डिनेशन है। मैं सबसे पहले, मैं कई बार हम इतने मस्तिष्क रूप से इतने थक जाते हैं हमारे संस्था के लोग, इंदिरा गांधी कला केंद्र के लोग, लेकिन वो बहुत बगैर किसी तनाव जाहिर किए हुए इस कार्य में लगे हुए हैं, और कई बार हमारी बातें थोड़े रोष वाली सुनने को भी मतलब वो तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उनको साधुवाद देते हुए, आगे इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, और अपना सानिध्य रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा
बधाई देता हूँ कि आज आप 60-70 से अधिक की संख्या आपकी है और आगे बढ़ेगी जब तक, क्योंकि मैं जब तक मैं कार्यक्रम में नहीं रहूंगा तो, लेकिन आगे आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण जी। आपसे पूर्व डॉक्टर आशीष कंधवे जी ने बड़े ही विनम्र व सारगर्भित शब्दों में अपना वक्तव्य रखा। आदरणीय कंधवे जी ने बार बार कहा कि वे गुरु नानक देव जी के साहित्य के मर्मज्ञ नहीं हैं, लेकिन उनका वक्तव्य दर्शा रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने उनको अपने अनुभव से जाना है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी ने अनेक देशों की यात्राएं की थी और स्वयं कंधवे जी ने भी सिर्फ आसपास के देशों की नहीं बल्कि यूरोप आदि, अमेरिका आदि, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की भी यात्राएं करके अपने निरंतर ज्ञान का वर्धन किया है। उनके वक्तव्य में बतलाया गया कि किस प्रकार से गुरु नानक देव जी व्यावहारिक आध्यात्मवाद से युक्त थे, वे सबकी चिंता करते थे, सत्य का अन्वेषण करते थे, वे सर्वेश्वरवादी थे। उनके जीवन के कुछ चमत्कार भी बतलाए, किस प्रकार से शेषनाग उनकी छाया में रत रहता था, उनके द्वारा दिया गया मंत्र उन्होंने दिया एक ओंकार, और किस प्रकार से उन्होंने लोगों के जीवन को बदला, उसमें तिब्बत के लामाओं का उदाहरण उन्होंने हमारे सम्मुख रखा। निश्चित रूप से ऐसे में गुरु नानक देव जी सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, हमारे जीवन के आदर्श बनते हैं। अब मैं इस विषय के मर्मज्ञ डॉक्टर परविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हिंदू धर्म शिक्षा के सहायक प्रोफेसर हैं रामपुरा फुल में, जो DTP कॉलेज मालवा विश्वविद्यालय का है उसमें। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आए और गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन के संबंध में, उनके साहित्य के बारे में हम सबको बतलाएं। सबसे पहले वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्रमाण करना जी, सबसे पहले जी अपना फोन ऐसे कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए फोन को, हॉरिजॉन्टल ऐसे कर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे संचालक डॉक्टर जोगेश विशिष्ट जी का, जो महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा जी के हैं, उनकी अगुवाही के चलते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं उनका बड़ा ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे सारे इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से हरेक के बात को बड़े ही सुंदर ढंग से आपके सामने जो हम बता रहे हैं उसको विचार रूप से रख रहे हैं। मैं उनका बड़ा ही आभारी हूं और आभारी हूं मैं हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राम सज्जन पांडे आवाज चली गई है लगता है। डॉक्टर प्रविंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर प्रविंदर जी हमें सुन पा रहे हैं? लेफ्ट कर गए हैं, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ है। इस बीच डॉक्टर मंजुलता रेढ़ू जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में अपनी बात हमारे सामने रखें, तब तक डॉक्टर परविंदर जी हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर मंजुलता रेढ़ू जी राजकीय महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा जिला जींद में प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं। आप हमारी जींद इकाई की अध्यक्षा हैं, मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कृपया संक्षेप में हमारे सामने अपना वक्तव्य रखें। जी, अत्यंत आदर भाव से गुरु नानक देव जी की भावधारा में बहे सभी हृदयों को मेरा नमन। मेरा नमन मंचासीन माननीय
अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर रामसजन पांडे जी के समक्ष और जिनके बात करते हुए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, बहुत आभारी मैं डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ जी की। साथियों, गुरु नानक देव जी का नाम ऐसा नाम जिन्होंने संत शब्द की सत्ता को बहुत हमारे सामने केवल मैं कहूंगी सार्थक नहीं जीवंत किया है। सही मायने में संत कौन है यह हमारे सामने बहुत सहज भाव से प्रस्तुत होता है। वह सहजता किस कारण से? सिर्फ यह कि वह व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने जो कुछ कहा केवल वाणी के माध्यम से नहीं कहा, वह सब उनके जीवन काल से चरितार्थ हुआ। और बहुत कम समय में मैं यदि उल्लेख करूं उन्हीं के जीवन काल के उन संदर्भों का जहां से हम सीख लेते हैं, जहां से मैंने सीख ली, गुरु नानक देव जी के जीवन की एक काली रात, भादों की काली रात, अमावस्या की रात, गुरु नानक देव जी जाग रहे हैं। माँ कहती है बेटा सो जा, सारी दुनिया सो गई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि माँ कहाँ सारी दुनिया सो गई, ध्यान से सुनो, पपीहा तो अभी बोल रहा है। वह पपीहा जो अपने पिए के प्रेम में निरंतर अपनी रट लगाई है और उसका प्रेमी तो उसके पास है और मुझे तो बहुत दूर बैठे अपने उस ईश्वर को बुलाना है, उसके पास अपनी आवाज पहुंचानी है, तो मैं कैसे सो सकता। अनवरत साधना सिखाते हैं और वह साधना कैसी? बहुत सहज साधना। गीत के माध्यम से वे ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। गा गा करके गुरु नानक देव जी ने पिए को प्राप्त कर लिया। वे गुरु नानक देव जी जो हर बात को सार्थकता देते हैं, जिन्होंने मरघट की परिभाषा को समझाया, गुरु नानक देव जी का जीवन काल जैसा भी रहा है हम सब उसके कण कण से परिचित हैं। इस प्रसंग से भी आप अवश्य परिचित होंगे। गुरु नानक देव जी को ढूंढा गया, घर के किसी सदस्य को वह बालक दिखाई नहीं दे रहा। सब पूछते हैं कि कहां, किस गली में गुरु नानक देव जी हैं। घर के सभी सदस्य परेशान। किसी ने कहा कि वो तो शमशान की तरफ जाते हुए उन्हें देखा गया। पुनः घर के लोग परेशान कि वो वहां क्यों गए हैं। जैसे ही जाके देखा, वह व्यक्तित्व समाधिस्थ और अधिस्थ हो रही उन व्यक्ति विशेष से उनका वार्तालाप होता है, तो सबने कहा यहां क्यों आए। उन्होंने यही कहा कि यहां तो आना ही है। बोले यहां तो चार कांधों वाले, चार कांधों पर चढ़ करके आया जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा जब जीते जी आकर के यहां नहीं देखा तो मर करके इसे क्या समझेंगे। यहां तो जीते जी आकर के स्वयं अपने पैरों से चल करके आकर देखना था। उस सत्यता से वाकिफ गुरु नानक देव जी करवाते हैं। वही गुरु नानक देव जी जिन्हें किसी नवाब के यहां मेहमान होना था वो हुए और नवाब बहुत आह्लादित हैं। सोचते हैं कि आज जो सिख व्यक्ति है वह मेरे यहाँ विराजित है, मैं उनकी सेवा श्रुषा करूं और वह व्यक्तित्व अवश्य ही आसपास के परिवेश में मेरे कहीं ना कहीं मुसलमान होने का, मेरे इस्लाम धर्म का और उस प्रभाव का भी संकेत सभी के बीच और प्रभाव स्थापित करने का कारण बनेगा। गुरु नानक देव जी बहुत मंद मंद मुस्काते हैं क्योंकि नवाब ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है, आप तो नमाज पढ़ेंगे नहीं,
गुरु नानक देव जी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं भी तो आप ही के साथ नमाज पढ़ूंगा। सब लोग हैरान कि गुरु नानक बौखला गए हैं क्या, क्यों नमाज पढ़ेंगे, वे तो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन गुरु नानक चल पड़ते हैं नवाब के साथ साथ उस नियत स्थान पर जहां नवाब ने नमाज पढ़नी है। लेकिन एक ही बात उन्होंने कही कि यदि आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। जैसे ही वहां अवस्थित हुए, वे नवाब नमाज पढ़ रहे हैं उस अपनी मुद्रा विशेष में, जैसे ही वे झुके उनका ध्यान गुरु नानक देव जी पर जाता है, वे असंयत होते हैं। पुनः वे देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी उच्चरित नहीं किया, वे बौखला जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे कहते हैं कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप नमाज पढ़ेंगे, किंतु आप नमाज नहीं पढ़ रहे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे, मैंने तो नमाज आप ही के बाद पढ़नी है। वह व्यक्ति उस बात को सहर्ष स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वह तो क्रोधित है उस क्षण विशेष में, और उन्होंने बहुत गुस्से में जैसे ही कहा कि मैंने नमाज पढ़ी है, आपको क्या पता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे, आप तो अरब में घोड़े खरीद रहे थे। और नवाब बहुत आश्चर्यचकित, क्योंकि जिस समय नमाजी की मुद्रा में वे झुके थे और अल्लाह को स्मरण करने का, ये कहिए कि वह उस मुद्रा को अपनाए हुए थे, उस क्षण विशेष में कहीं भी अल्लाह के प्रति नमन नहीं था, कहीं भी वे नतमस्तक नहीं थे, और वहां केवल और केवल भाव था तो उनके व्यवसाय से जुड़े हुए, और वे केवल अरब के घोड़े कैसे खरीदे जाएं, उसी भावधारा में बहे हुए थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्पर्श किया और उन्होंने कहा कि सही मायने में मैं नमाजी नहीं हूं, मेरा आज तक का नमाज पढ़ना निरर्थक। तो साथियों, गुरु नानक देव वो संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पल से हमें शिक्षा दी है। हम उस शिक्षा को किस तरह से अपनाते हैं, उन्होंने कितना सहज जीवन हमें दिया, कितनी सरलता से, कितनी सादगी से ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्ग हमें दर्शाए बताए, उस पर हम कितना अनुगमन करते हैं, यह उन्होंने हम पर छोड़ दिया। हम उसे दायरों में बांधते हैं, हम उसे खुले रूप में अपनाते हैं, केवल और केवल यही बातें हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी, मैं हार्दिक भाव से उनको नमन करते हुए ये जरूर आप सबसे कहूंगी कि वो महान संत हैं जिन्होंने उस हमारी स्वाभिमान वृत्ति को भी बहुत नमित कर दिया है। यदि मैं कभी ये कहूं कि गुरु नानक देव जी को मानने वाले उनके अनुयायियों में से मैं एक हूं, ये कहते हुए साथियों भाव पूरी तरह से द्रवित हो जाते हैं, और शायद मैं कभी भी किसी स्थिति में उस तरह से बहुत विनम्र नहीं भी हो पाती, लेकिन जब भी मैं गुरु नानक देव जी की वाणी से जुड़ूं, हर वक्त यही भाव रहता है कि मुझसे तुच्छ कोई नहीं, और यही भाव उन्होंने सिखाया। और अभी पूर्व वक्ता ने जब कहा कि बहुत थकावट के बावजूद वे हमें ऊर्जा देते हैं, साथियों मैं बहुत प्राणपन से कहूंगी कि वह वाणी ऐसी है जो हमें हर तरह से ऊर्जा से ऊर्जस्वित करती है, और कहीं कोई थकान नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी मैं डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जानते हैं कि सभी का हमारा बहुत व्यस्त शेड्यूल, लेकिन मुझे जरा भी तो भूख नहीं, मेरे मन में कहीं भी थकावट का भाव नहीं। मैं बहुत नमन करती हूँ आज संयोजन समिति को जिन्होंने इतने उत्कृष्ट महान संत के उस उत्कृष्ट विषय पर हमें जोड़ा। यह उत्कृष्ट शब्द विशेषण मेरा उनकी वाणी के लिए था, उन्हें हम उत्कृष्ट कहें यह मेरी औकात नहीं, मैं उस योग्य नहीं कि किसी भी तरह से उनके लिए मैं कुछ कह पाऊं। मेरा सभी के समक्ष हार्दिक नमन। हम उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाते चले, उन संकीर्णताओं को छोड़ते चले, और बहुत खुले भाव से कहूंगी कि गुरु नानक देव जी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद।
धन्यवाद महोदया, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके जीवन के विविध प्रसंगों को लेते हुए अपनी बात रखी है। वास्तव में उनके लिए हिंदू मुसलमान में इस प्रकार का कोई भेद था ही नहीं, क्योंकि वे तो सबको एक समान मानते थे कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। और अब हम डॉक्टर परविंदर शर्मा जी को पूरा नहीं सुन पाए थे, उनसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर परविंदर शर्मा जी। हाँ जी सर, पहले बहुत ही माफी जाचक हूँ मैं, और डिस्कनेक्ट की वजह से थोड़ा सा फोन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए माफी जाचक हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले वो जो बात कर रहा था, तो आईजीएनसी का मैं सदा ही उनका प्रेम, भाईचारा और समय समय पर जो हमें उनकी जिम्मेवारी मिलती है, हम उनको सिर मथे कबूल करते हैं। उसकी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनका सदा ही आभारी रहा हूँ। पहले आप पिछले कोरोना काल से पहले एक सेंट्रल सरकार, भारत सरकार और आईजीएनसी के द्वारा जो किताब निरूपण कश्मीर पे मिली थी, वो भी मैं पूर्ण रूप से कर चुका हूँ। तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वो समय समय पर जो बाबा नानक के 550 साल पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक दिन में दो दो तीन तीन वेबिनार, और पंजाब से नहीं पूरे भारत से, और भारत से नहीं पूरे विश्व से ही प्रमुख वक्ता को बाबा नानक के ऊपर विशेष अध्ययन के लिए करा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उसी की ओर से आज बाबा नानक के दर्शन एवं साहित्य के विषय पर मैं आपके सामने अपने विचार पूर्वक रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक हिंदू माध्यम के स्लोट से इस अध्ययन को शुरू करना चाहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी भक्ति भारतम, अबे युथानम धर्मस्य तदतानम सर्जयाम। यदा यदा ही, जब जब इस धर्म के ऊपर हानि पहुंचती है, तो एक ऐसी परमात्मा की ओर से महान शक्ति इस धरती पर, पवित्र धरती पर जन्म लेती है, और वह इस सारे संसार को इस एक जैसे नदी एक समुन्द्र की ओर पार कराती है, उसी प्रकार ये देखा जाए तो बाबा नानक और उससे पहले जो प्रॉफिट या उससे पहले जो भी हिंदुइज्म के जो भी हुए हैं महान हस्तियां, उन्होंने इसको एक ऐसे प्रकार से रास्ता दिखाया या पार कराया कि सारे जनमानस के सामने एक महान कार्यक्रम के लिए हमें आगे बढ़ाया और हम इस मुकाम तक पहुंच सके। तो मैं कहना चाहूंगा कि गुरु नानक देव जी का संसार में आगमन विश्व के धार्मिक इतिहास में एक बहुत ही घटना माना जाता है, क्योंकि इस महान ज्योति ने संसार को जिन सिद्धांतों, असूलों, रीति रिवाजों एवं शिक्षा की देन दी, वह समुचे इंसानी भाईचारे के संपूर्ण काल से संबंधित है। गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन एवं साहित्य को जानने के लिए मुख्य तीन स्रोत हैं जिससे अध्ययन की सुविधा हो सकती है। एक पहले प्राथमिक पे मुख्य स्रोत, दूसरे पे गौण स्रोत, और तीसरे में सामान्य स्रोत। अगर मुख्य स्रोत की में केवल वह सामग्री रखी जा सकती है जो अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत से पहले पहले लिपिबंध हो चुकी थी, यानी कि 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो जो हस्तलिखित या जो भी लिपिबंध हो चुका था, उनको हम मुख्य स्रोत में रख सकते हैं, उसके साहित्य में रख सकते हैं। अंत इस स्रोत की सीमा 17वीं शताब्दी तक ही मानी जा सकती है। इनमें से मुख्य तौर पर जन्म साथी, पुरातन जन्म साथी मेहरबान और भाई बालाजी की जन्म साथी, वलैत वाली जन्म साथी ही
आ सकती है, आदि ग्रंथ और उसकी प्राचीन प्रतिज्ञा आ सकती है, भाई गुरदास जी की वारें जो मेन रेलिवेंस ऑथेंटिक सोर्स है वो आ सकते हैं, भाषा की एवं खुलिस्तान उल तवारीख और भाई नंदलाल गोवा जी की रचनाएं हम मुख्य स्रोत पर रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो जन्म साथी, जन्म और साथी का जो संयुक्त संबंध है, क्योंकि उसका मूल अर्थ यह माना जाता है कि किसने किसी वस्तु को अथवा घटना को अपनी आंखों से देखा हो, किसने किसी घटना को आंखों से देखा हो वो ही जन्म साथी मानी जाती है। साथी का वैसे ये अर्थ देखा जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी माना जाता है, जो हिंदुइज्म में सेक्स एंड फिलोसफी हिंदुइज्म में प्रमुख तौर पर है, जो चीज प्रत्यक्ष के रूप में देखी जा सकती है। तो जो जन्म साथी मुख्य, मैं ये मानना चाहूंगा कि जन्म साथी के तीन कारण ये माने गए हैं कि जिनके वजह से इसका रेलिवेंस कम हो रहा है, क्योंकि मौजूदा तौर पर 20-30 जन्म साथी ही प्रमुख थी, पर आज के समय में तकरीबन 575 के माध्यम से इतनी जन्म साथी हो लिखी जुटी हैं या मनगढ़ंत हो गई हैं, जिसके वजह से ये चल रहा है। इसके तीन कारण हैं, एक तो लोटमुट कारण है, दूसरा अनुमान है और तीसरा कर्तव्य अन्य मंत्रों का है। जो तीन कारण माने गए हैं ये मेन जन्म साथी के हैं, जिसकी वजह से जन्म साथी का रेलिवेंस थोड़ा सा कम हो गया है। पर जो आज के समय में 19-20वीं सदी के जो विद्वान हैं, इनको मुख्य तौर पर जन्म साथी के आधार पर ही रचनाओं को लिख रहे हैं। और अगर दूसरा कारण दूसरा देखा जाए तो आदि ग्रंथ मेन साहित्य बाबा नानक का है, जो हमें इनकी वाणी को पूर्ण तौर से लोगों तक पहुंचाने का मेन रेलिवेंस है, जो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी ने संपादन कराया था 1608 वैसाख के समय में। इसमें सिख गुरुओं की प्रमाणिक वाणियों के अंतरित अंकेशा भट्टों संतों भट्टों को वाणियों भी संकलित है। गुरु नानक की समस्त प्रमाणिक वाणी अब इस गुरु ग्रंथ के द्वारा प्राप्त होती है, परंतु इसमें गुरु नानक के जीवन संबंधी सामग्री का लगभग अभाव है। हाँ, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं दार्शनिक परिस्थितियों और तत्संबंधी गुरु जी के दृष्टिकोण का ज्ञान उनकी वाणी में अवश्य मिल जाता है और उन स्थितियों का अनुमान भी लगाया जा सकता है जिनमें गुरु नानक देव जी की टीचिंग के समय उनकी वाणी की रचना की गई हो। भाई तीसरे नंबर पर जो मेन सोर्स हैं जो साहित्य के, वो भाई गुरदास जी की रचनाएं हैं। भाई गुरदास जी पांचवें और छठे गुरु के समय सिखों के प्रमुख प्रचारक और प्रवक्ता रहे हैं। पंजाबी में 39-40 बारें और ब्रिज भाषा में 556 कवित स्वये लिखे, जिनमें गुरुओं की स्तुति और गुरमत की व्याख्या बड़े ही विस्तार से उन्होंने की। यद्यपि उनकी वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित नहीं किया गया, फिर भी गुरबाणी की कुंजी की मान्यता अवश्य ही उनको प्रदान है। और आज के समय में जो विद्वान जो रचनाएं गुरु नानक देव जी के ऊपर लिख रहे हैं वो इनको मेन सोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 11, 24 and 26 गुरु नानक प्रदान कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। 24-26 केवल स्तुति परक हैं और जो 11, 13, 14 पौड़ियों में गुरु नानक देव जी के कर्तज्ञ सुप्रसिद्ध सिखों शियों की नामतारी दी हुई है। गुरु नानक की जीवनी और व्यक्तित्व
पर केवल प्रथम वार की अधिक प्रकाशता डालती है। इसके बाद प्राण संगली भी साहित्य का गुरु नानक देव जी का सोर्स है, जिसमें 833 वस्तुओं पर 80 अध्यायों के बहुतर ग्रंथ में लगभग 40 अध्याय गुरु नानक देव और सिद्ध जोड़ियों के बीच हुई गोष्ठियों के अपर्तित किए हुए हैं, जिनमें 35 अध्यायों का संबंध गुरु नानक देव जी एवं रघुनाथ के बीच हुई गोष्ठियों से है। फारसी में जो हैं ग्रंथ हैं उनमें से छठे और एवं सातवें समकाली गुरुओं के निकटवर्ती के समय में हुए हैं, जिनके सिख गुरुओं के चरित्र एवं महत्तर से बहुत प्रभावित था। अंत उसकी प्रस्तुति की रचना श्रेष्ठकारी कही जा सकती है। फारसी के उनके उसने गुरु नानक पंथी शीर्ष के अधीन गुरु नानक के संबंध में लगभग 3000 शब्दों का एक लेख उठ पुस्तकों के अमृत शामिल किया गया है। उसका इंग्लिश एंड पंजाबी अनुवाद द पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट वॉल्यूम 369 में गुरु नानक इन द आईज ऑफ द नानक सिख और मस्ती द नाजमी गुरु बाबा नानक नंबर 25-30 में प्रकाशित हो चुका है। अगर और गुरु नानक देव जी के साहित्य में देखा जाए तो भाई नंदलाल गया जी जो 17वीं सदी गुरु गोविंद सिंह जी के समय में उनके प्रमुख भक्तों में से एक थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी का जशो ज्ञान करते हुए गंजनामा स्रोत विकास और अर्जुन प्रभास नामक फारसी भाषी रचनाओं का कहीं कहीं जो भावनाएं अभिव्यक्त की हैं उनके मूल रूप इंग्लिश एवं पंजाबी अनुवाद द पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट वॉल्यूम नंबर 1969 और मस्जिद द नाजमी गुरु नानक संग्रह में प्रकाशित किया गया है, जिसमें गुरु नानक देव जी ने व्यक्तिगत संबंधी विश्लेषण में जो भावनाएं कुछ सहायक सिद्ध होकर उनको सामने रखा है। ये बाबा गुरु नानक देव जी के साहित्य में जे सबसे प्रमुख तौर पर देखा जाए तो मेन सोर्स साहित्य के हैं, जो हमें आज के समय में हम इनकी वाणी एवं रचनाओं के कारण आगे इस अंधकार में हम जीवन में सुख एवं उस परमात्मा की इष्ट की प्राप्ति पर पहुंच सकते हैं। बाबा नानक ने सुख की प्राप्ति के लिए 6 साधन प्रमुख तौर पर सामने रखे हैं। सर्वप्रथम साधना जिज्ञासु का सत्वन एवं गुणवान करना मुख्य तौर पर प्राथमिक पर बाबा नानक ने रखा है। दूसरा साधन गुरु की शरण, दुखों को एक सैर पे करने के बाद जब गुरु की शरण में आदमी चला जाता है तो वह किस प्रकार का उस दया भावना से देखता है उसको। ये सारी जो बाबा नानक ने सुख की प्राप्ति का जो भी रखा है ये मेन हिंदू फिलोसफी उपनिषदों के माध्यम से ही इधर सारा कुछ एक प्रकार से विस्तार पूर्वक किया है। उनमें से एक प्रमुख रूप पर श्लोक भी और मुख्य है, दुख माही जन्मे दुख माही मरना दुख ना मिटे बिन गुरु की सरना। इसी प्रकार ये तीसरा दुख की प्राप्ति का कारण देखा जाए तो नाम जाप दुख विनाश का तीसरा साधन है, सबे दुख मिटे साचे नहीं। और चौथा मेन मुख्य जो सेवा भावना है वो गुरु नानक देव जी ने मेन सुख की प्राप्ति का कारण बताया है कि सेवा के साथ ही उस परमात्मा की इष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार कन्हैया जी ने सेवा भावना में जंग में कोई कमी ना छोड़ते हुए सभी को एक प्रकार से पानी की, जब तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हमारे सैनिक हैं जब उनके हैं, उन्होंने सेवा भावना का मेन
ध्यान पूर्वक रखा। इसी प्रकार के लिए बाबा नानक ने भी सेवा को मुख्य रूप माना है। पांचवा, अहंकार का त्याग सुख की प्राप्ति। जिन्हें सच पहचान्या से सुख जगुचार, हूं मैं तसना मर के स्वच्छ सख्या अरदार। और छठा, साधना समदर्शी को प्रमुख तौर पर सुख की प्राप्ति का बाबा नानक ने कहा है कि दुख सुख को समान समझना और वास्तविक सुख की प्राप्ति करना ही मुख्य है। अगर देखा जाए कि मध्य युग में महान लोक नायक बहुत हुए हैं, क्योंकि मध्य युग एक भक्ति काल युग था जिसमें दो भक्ति की लहरें सरगुण एवं नरगुण साथ साथ चल रही थी। जब तक उस सामने पई मूर्ति को हम आकर्षित रूप पर देखते रहे तो सरगुण थी, जब उसको अंदर ही अंदर ध्यान पूर्वक मूर्ति सामने पड़ी है, जब हम देख रहे हैं सरगुण है, जब उसको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की ओर से हम कर रहे हैं तो वो सरगुण को निर्गुण के रूप में चली जाती है। इसी प्रकार ही बाबा नानक की फिलॉसफी भी कुछ ऐसी प्रकार की थी। उनकी निराकार की भक्ति का मुख्य रूप पर उन्होंने रखा, जिसमें मध्य युग के महान लोक नायक बाबा नानक को माना गया। उनकी वाणी और करनी में प्रश्न उत्तर का संबंध था। उन्होंने अपने प्रत्येक उपदेश में जो कुछ कहा पहले उसके अनुसार अपने आप को अनुशासित किया, और जब उन्हें उसकी उपयोगिता का विश्वास हो गया तब उसे अपनी मधुर वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाया। उसकी वाणी का क्या प्रभाव था, प्रवृत्ति इतिहास इसका साक्षी है। वस्तुत में अनेक उपदेश लोट जीवन का अंग बन गया। हम सबको इस वाणी की प्रेरणा के आचार व्यवहार का जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के समय में साइंस युग में इस दुनियावी भीड़ में अगर हम इसका हिस्सा बन के अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं तो उनकी भक्ति साधना की लो में जागृत करना एवं संयम निम्रता एवं श्रद्धा पूर्वक जीवन जांचने का हम इस वाणी की माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह से ये देखा जाए तो ये जो मेन सोर्स हैं, जो साहित्य हैं, वो आदि ग्रंथ भाई गुरदास जी की वारें एवं प्राण संगली एवं और अन्य ग्रंथ, इनको हम अपने जीवन में धार के आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय काफी बढ़ता जा रहा है, अभी हमें अध्यक्ष जी को भी सुनना है, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। जी हम बिल्कुल सर, अब डॉक्टर परविंदर शर्मा जी का फिर तकनीकी कारणों से बाहर होना पड़ा है, मैं श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष हैं, आप स्वयं मध्यकालीन साहित्य संत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, और आपको गुरु नानक जी पर सुनना निश्चित रूप से एक अपूर्व अनुभव रहेगा। इसी नाते मैंने डॉक्टर परविंदर जी से अनुरोध किया है अपनी वाणी को विराम देने के लिए। मैं परम श्रद्धेय गुरुवर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और गुरु नानक जी के जीवन दर्शन व साहित्य पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं गुरु नानक देव जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अभिवादन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। इस सारस्वत और सांस्कृतिक आयोजन को सार्थक और शब्दित करने वाले हमारे विद्वान मित्र और सर्जक डॉक्टर आशीष कंधवे जी, श्रीमान प्रवीण आर्य जी,
डॉक्टर परविंदर शर्मा जी इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के शुरू से अंत तक संयोजक और सूत्रधार प्रिवर डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ जी, डॉक्टर मंजू रेड़ी जी और जो भी जितने भी और हमारे प्रांतीय परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर आशीष शर्मा जी, सभी विद्वान मित्रों और प्रतिभागियों, अभी कुछ लोगों को चित्र देख रहा था जो बड़ी श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हमारे एक शोधार्थी या कि अब वो पीएचडी है, मैं देख रहा था कि वो दोनों हाथ जोड़े हुए स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। ये संतों की और गुरु नानक की ही महत्ता है कि जो इस तरीके से एक भावनामय और श्रद्धामय वातावरण का सृजन कर देती है। मित्रों, आशीष कंधवे जी ने गुरु नानक जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, विचारधारा और दर्शन के सभी आयामों को बड़ी सुघड़ता के साथ, बड़ी सिद्धता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर परविंदर शर्मा जी ने भी गुरु नानक देव के वाणी के अनेक आयामों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। मंजू रेड़ू जी ने जो है प्रस्तुत किया। लगता है कि इन सारी प्रस्तुतियों के बाद हमारे पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। अगर मैं बड़ी सजगता और सिद्धता के साथ अपनी बात को रखना चाहूं तो पुनरुक्ति दोष ही होगा। उन्हीं सारी बातों को हम जो है यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और चूंकि योगेश जी ने हमें अध्यक्षता का दायित्व तो दिया है, तो अध्यक्ष का ज्यादा काम होता भी नहीं है। वो एक सुगम पद होता है और जैसा चाहे वैसा वो काम अपना चला लेता है। इसमें अध्यक्ष के लिए कोई पढ़ा लिखा होने की भी शर्त नहीं होती है, तो ये हमारे लिए एक सुगम काम है। सभी सारस्वत मित्रों, ये हमारे लिए बड़े भारी सौभाग्य की बात है कि ये गुरु नानक का अवतरण का 550वां वर्ष है और इस 550वें वर्ष पर हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सार्थकता के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ गुरु नानक देव को स्मरण कर रहे हैं। 550 वर्ष के बाद भी हम स्मरण कर रहे हैं और उनकी सार्थकता के भिन्न भिन्न आयामों को हम रेखांकित कर रहे हैं, हम चित्रित कर रहे हैं, हम उसको निरूपित कर रहे हैं। ये क्यों है? ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात तभी है जब गुरु नानक की वाणी आज भी हमारे लिए पूर्णतः सार्थक है, पूर्णतः प्रासंगिक, तभी हम याद कर रहे हैं। भाई गुरुदास जी ने एक बात कही थी गुरु नानक जी के बारे में। उन्होंने कहा, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धूंद जग चारण होया, जीवकर सूरज निकलिया, तारे छट पलाया। अर्थात जब गुरु नानक का अवतरण हुआ तो संसार से अंधकार खत्म हो गया और प्रकाश का अवतरण हो गया। प्रकाश का अवतरण क्या होता है? आशीष कंधवे जी उनके विचारों की, उनके दर्शन की, उनकी सामाजिक सार्थकता की, उनकी दार्शनिकता की, उनकी धार्मिकता की, उस प्रकाश के अवतार की बात कर रहे थे। वास्तव में ये प्रकाश सूरज का या बल्ब का या ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं होता है, ये विचारों का प्रकाश होता है, ये सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रकाश होता है। और उसी प्रकाश के कारण से गुरु नानक की सार्थकता, गुरु नानक की महत्ता, गुरु नानक की प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। जब हम चारों तरफ जो हमारा परिवेश है, जो हमारा समय है, जो हमारा समाज है, उसके भीतर जब हम गुरु नानक की वाणी के प्रकाश को हम देखते हैं, गुरु नानक के कृतित्व के प्रकाश को देखते हैं, तो हमें जो है ये प्रतीत होता है कि गुरु नानक का पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा का पूरा कृतित्व, उनकी सारी विचारधारा, उनकी सारी कर्म साधना, उनकी सारी अध्यात्म साधना, उनकी सारी धर्म साधना, वो अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, वो सांस्कृतिक यात्रा है, वो हमारे बेहतरी की यात्रा है। और ये पूरी बेहतरी के, मनुष्य मात्र की बेहतरी को लेकर के वो सदा चलते रहे हैं। अगर हम उनके, डॉक्टर आशीष कंधवे जी ने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहा, अगर उनके हम
सामाजिक सार्थकता की बात करें, सामाजिक प्रकाश की बात करें, तो पूरे समाज जो उस समय अंधकार में डूबा हुआ था उसको प्रकाश की ओर ले जाए। क्या है प्रकाश, क्या है अंधकार? अंधकार जो असत पक्ष है, जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को कलुषित बनाता है अपनी रूढ़ियों से, अपनी तमाम पिछड़ेपन से, अपने बाह्याचार बाह्याडंबर से, उन सारे बाह्याचारों बाह्याडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। जाति पाति का जो है उन्होंने निर्मूलन किया। जो चीजें हमारे समाज को बांटती हैं, जो मनुष्य की ताकत को और मनुष्य की चेतना को और मनुष्य की एकता और एकरूपता को, समरूपता को खंडित करती हैं, ये तीर्थाटन, ये जप, ये तप, ये माला, ये तिलक, ये ऊंच, ये नीच, ये धनी, ये गरीब, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा समाज बटता है। उस सारी चीजों को बांटने वाले उन घटकों को, बांटने वाले उन तत्वों को गुरु नानक ने समूल नष्ट करने का प्रयास किया। और इस जो है बांटने वाले घटकों का जो अंधकार हमारे समाज में व्याप्त था, उस अंधकार से आगे ले जाने का कार्य, प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय की ओर ले जाने का कार्य गुरु नानक ने किया। वो इसी नाते उनकी विनम्रता देखिए, उनकी सदा सहायता देखिए, वो अपने को ऐसी जगह अधिष्ठित कर देते हैं जहां जो है निम्न से निम्न व्यक्ति अधिष्ठित है। वो कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच। वो खुद स्वीकार करते ही उनकी आत्म स्वीकृति है कि मैं सर्वाधिक नीच हूं। ऐसी स्थिति में जो इतना बड़ा संत, इतना बड़ा साधक, जो इतना बड़ा युग का, युगीन चेतना का जो वाहक है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो जब वो स्वीकार करता है, कहने का तात्पर्य यह, उसके पीछे ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो है साधक, ये सिद्ध, ये सयाना, ये भक्त, ये संत, ये जो है समाज को अगवा ले जाने वाला, जब ये स्वीकार करता है तो समाज में जो ये तमाम प्रकार का भेदभाव है, जो अमुक्ति की बातें हैं, वो सब दूर होनी चाहिए। ये अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि कहने में तो बहुत सारी चीजें हैं, विचार में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब तक उस विचार का अवतरण और सन्निवेश हमारे व्यवहार में नहीं होता है, तब तक वो चीजें स्वीकार्य नहीं होती है। गुरु नानक देव ने जो भी वैचारिक क्रांति के सूत्र थे, उन सारे वैचारिक क्रांति के सूत्र को अपने आचरण में पुरोया, अपने आचरण में उतारा, अपने हृदय में अधिष्ठित किया। इसी नाते उनकी वाणी में, उनके संदेश में, उनकी जन जागृति में, उनकी प्रकाश यात्रा में बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने को सामान्य जनजीवन से जोड़ने का काम किया। वो तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन वो देशाटन खूब करते हैं। अभी बात जो है वो योगेश जी कंधोई जी के माध्यम से कह रहे थे, कंधोई जी ने भी बहुत सारी यात्राएं की, गुरु नानक देव जी ने भी बहुत सारी यात्राएं की, अनेक देशों की यात्राएं की। हो सकता है उस समय ये देश की कल्पना न रही हो, क्योंकि एक जो महाभारत, भारत की जो कल्पना है, वो भारत का विस्तार बहुत ज्यादा था। लेकिन आज जो हम जो तमाम देश विदेश के रूप में हम देखते हैं, चाहे मक्का हो, चाहे मदीना हो, चाहे काबुल हो, चाहे कांदार हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे लंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे तुर्की हो, चाहे इजराइल हो, इन सारी देशों की यात्राएं उन्होंने की। इस नाते ये यात्राएं की, उनका काम था, उनके जीवन का उद्देश्य था, उनके उनका संकल्प था, उनकी प्रतिबद्धता थी कि समाज को जागृत करना है, समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाना है। समाज जो पिछड़ा हुआ है तमाम प्रकार की कुरीतियों में, तमाम प्रकार की रूढ़ियों में, उनसे संवाद स्थापित करके, उनको जगा करके, हमें जो है उन्नयन की तरफ, चाहे उनका भौतिक उन्नयन हो और चाहे उनका आध्यात्मिक उन्नयन हो, इस उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो संतों, अन्य संतों से, अन्य भक्तों से गुरु नानक को अलग करता है, वो है उनका गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन पर उनका बहुत बड़ा बल रहा है, स्त्री और पुरुष की समानता पर बहुत बल रहा है। हम यहाँ पर किसी की निंदा और प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम गुरु नानक देव की जो उपलब्धियां, जो वैशिष्ट्य है,
जो अन्य लोगों से एक प्रथा पार्थक्य है, उस पार्थक्य की बात जो है हम रेखांकित करना चाहते हैं, हम उनके वैशिष्ट्य को निरूपित करना चाहते हैं। कंधोई जी ये कह रहे थे गृहस्थ जीवन की उन्होंने खूब प्रशंसा की, स्त्री और पुरुष की जो है एक समानता की बात की उस कालखंड में। हमें कल्पना कीजिए 500 वर्ष बाद, आज हम 600 साल बाद भी जब हमारा समाज लिंग भेद का शिकार है हो रहा है, गृहस्थ जीवन को उस रूप में हम प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रतिपालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय पर लगभग 600 वर्ष पहले गुरु नानक उस गृहस्थ धर्म की पवित्रता को लेकर के, स्त्री पुरुष की रागिक शांतता को लेकर के, उसके प्रेम संबंधों को लेकर के, उसकी समानता को लेकर के बात कर रहे हैं। वो बात जो है इसी नाते आज हम गुरु नानक देव को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी भावुकता के साथ इसी नाते हम स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे जीवन का जो मूल मंत्र है, हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति का और जो है भौतिक उन्नति का जो सेतु बन सकता है, उस स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन के संबंधों को लेकर के बात की। दर्शन पर बहुत सारी बातें कही जा रही की जा सकती है, जो है महीनों महीनों जो है गुरुवाणी पर बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि एक समय का बंधन है, इस नाते थोड़ी बहुत बात आप लोगों से मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि जो दर्शन की बात है, अध्यात्म की बात है, जो जीवात्मा परमात्मा और इन सारी चीजों को की बात लेकर के है, जो ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के बात है, गुरु नानक देव ने निर्गुण ब्रह्म की बात की। क्यों निर्गुण ब्रह्म की बात की? मध्य काल में हम सभी लोग जानते हैं, भक्त काल में जाते हैं, दो सगुण धाराएं थी, निर्गुण और सगुण को लेकर के जो है बात हो रही थी। सगुण में जो है वो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम उसके ऊपर आरोप हैं, क्योंकि जब तक जल आकाश से नहीं गिरता है तब तक वो स्वच्छ और निर्मल होता है, जैसे वो धरती पर उतरता है उसमें तमाम मलिनता आ जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव हिमाला माया प्लानी, तो माया लिपट जाती है। इसी नाते जो है हमारे जो समाज चेता और संत थे, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की कल्पना की, और ऐसे ब्रह्म की कल्पना की गुरु नानक ने, ऐसे ब्रह्म की कल्पना की जिसका कोई नाम नहीं है, जो जिसका जिस रूप में चाहे, जिस नाम से लेना चाहे, वो नाम उससे उसको भर सकता है। राम है, रिम है, रहीम है, कृष्ण है, करीम है, जो भी करना चाहे वो करे। रूप की दृष्टि से उसका कोई रूप नहीं है, झंझट तो रूप को लेकर के है, कहीं कृष्ण को लेकर के विवाद है, कहीं राम को लेकर के विवाद है, यहाँ कहा कि नहीं वो रूप से परे है, वो निराकार है। स्थान की दृष्टि से उसका कोई स्थान नहीं है, वो सर्वव्यापक है, चाहे जिधर पैर करके लेटिए, चाहे जिधर सिर करके लेटिए, ये सारे संदर्भ, सारी कथाएं हम सभी लोगों को मालूम है। और केवल अगर उसको प्राप्त किया जा सकता है तो वो केवल प्रेम रूप है, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसी नाते जो सिख मत का मूल मंत्र है, उसमें यही कहते हैं, ओम सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, अर्थात वो परमात्मा ओंकार है, वो ही एकमात्र शक्ति है, वो सृष्टा है, वो निर्भीक है, वो वैरहीन है, वो अकाल देश काल की सीमा से परे है, वो ना जो है अयोध्या में है, न मथुरा में है, न काशी में, न कहीं है, वो सर्वत्र जो है व्याप्त है, वो अयोन है, उसका जन्म भी कभी नहीं होता है, वो जो है अवतरित होता है, और वो स्वयंभू है, और उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है? केवल सदगुरु की कृपा से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर गुरु नानक देव का जो ये मूल मंत्र है, जो ये श्लोक है, जो ये पंक्तियां हैं, इसमें दार्शनिक चेतना का पूरा सार समाया हुआ है, और अगर इस सार को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो किसी कहीं पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसी नाते आप देखें, तमाम लड़ाइयां लड़ने के बाद में, तमाम आपदाओं को झेलने के बाद में, मुसलमानों के तमाम आतंक को झेलने के बाद में, आज भी पंजाब सर्वाधिक सुखी, सर्वाधिक प्रगतिशील और सामाजिक तरीके से ज्यादा वो जागृत है। वहां पर न तो किसी प्रकार की जाति है, न वहां किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव है, सारे एक समरसता का भाव विद्यमान दिखाई पड़ता है। समाज के प्रति, जीवन के प्रति, नैतिकता के प्रति कैसी प्रतिबद्धता वहां के लोगों में है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, ये सारे के सारे, सारी मानवता के लिए
ये सब अनुकरणीय है। इसी नाते बार बार मित्रों एक बात मैं और भी कहता हूँ कि इस देश से ये मध्यकालीन जो साहित्य है या जिसे भक्तिकालीन साहित्य कहते हैं, भक्ति साहित्य कालीन साहित्य पूरे देश से खत्म होता जा रहा है। जहाँ के तुलसी हैं, जहाँ के सूर हैं, जहाँ के कबीर हैं, ये कुछ 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 कारणों से नाम इनका लिया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये सारा का सारा ये खारिज कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर संतों और भक्तों का साहित्य पूरे देश दुनिया में खत्म हो जाएगा तो भी वो पंजाब में जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? वो गुरु ग्रंथ साहब के कारण से जीवित रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब के कारण जीवित रहेगा क्योंकि वो कोई मूर्ति नहीं है। इसी नाते देखिए, शब्द ब्रह्म है, उन्होंने ग्रंथ को ईश्वर का अवतार माना। ग्रंथ मतलब शब्द को ईश्वर माता, और ये माना जाता है वो अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर की साधना हमें सिख मत से, गुरु मत से, गुरु नानक देव से हमें सीखनी चाहिए। जो सबसे बड़ा विवाद का मामला है, जो सबसे बड़े विसंगति का मामला है, वो सबसे बड़ा अवतारवाद को लेकर के गुरु नानक देव जी ने खारिज कर दिया। ये मूल मंत्र से इसकी पुष्टि हो जाती है। हिंदू और मुसलमान का भी मामला जो है खत्म हो जाता है, ना हिंदू हम ना मुसलमान, उन्होंने अपने जीवन में जो है इसको स्वीकार किया। बाला और जो है मर्दाना, ये दो उदाहरण है, एक जाट हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों साथ में चलते हैं। इसी नाते जो है गुरु नानक के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है हिंदुओं के लिए जितने आदरणीय पूजनीय हैं, उतने ही जो है मुसलमानों के लिए पूजनीय हैं। कहावत है कि गुरु नानक साहब पीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर, ये उनके व्यक्तित्व की महानता है, ये उनके व्यक्तित्व की सार्थकता है। हमारा जीवन, आज का जीवन जो में सबसे बड़ा संकट नैतिकता को लेकर के, चारों तरफ नीति की दुहाई दी जा रही है, चारों तरफ ये कहा जाता है नैतिकता खत्म होती जा रही है। ये नैतिकता कोई ड्रेस नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ में, ये हमारे आचार के साथ में अंग संग हमारे चलती है। दया, माया, ममता, करुणा, उदारता, सत्संगत, प्रेम, अहिंसा, त्याग, सुमरण, स्त्री सम्मान, श्रम, देश प्रेम, ये सब हमारी नैतिकता के पक्ष है। हमें याद करके चलना चाहिए कि गुरु नानक देव में देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी थी। उस कालखंड में संकेतों के माध्यम से, प्रकारांतर से से लोगों ने विरोध, संतों ने और भक्तों ने मुसलमानों का विरोध जरूर किया, लेकिन डट करके सामने आकर के किसी की विरोध करने की स्थिति हिम्मत नहीं हुई। केवल गुरु नानक देव ऐसे संत हैं, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे सिपाही हैं, ऐसे संत हैं, जब 1521 में अहमदाबाद पर बाबर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण की विवेचका को लेकर के, उसकी क्रूरता को लेकर के, उसकी बर्बरता को लेकर के, उसकी नृशंसता को लेकर के, और मानवीय करुणा से ओतप्रोत होकर के उसका चित्रण करते हैं। ये गुरु नानक देव की ताकत है, ये सामर्थ्य है, जो अपने युग की धारा को मोड़ते हुए आगे लेकर के चलते हैं। उस समय जब तमाम संत दूसरे के अन्न पर भोग कर रहे थे, मौज मर रहे थे, तब उन्होंने बहुत साफ कहा, श्रम की प्रतिष्ठा की, कीर्त करो, शर्म करो, यही नहीं, नाम जपो, सुविरन करो, और बंड करो, छको, और बांट करके छाओ। ये समाजवाद, आज वो समाजवाद का वो रूप आज जो है इस प्रजातंत्र में भी नहीं दिखाई पड़ता है। सारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान, देश के तमाम नेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। इस समाजवाद की चेतना को बहुत पहले गुरु नानक देव हमारे सामने रखते हैं। और जो लौकिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन लौकिक जीवन की आवश्यकताओं को कहीं पर भी आध्यात्मिक जीवन के सामने तिरस्कृत नहीं करते। उनको पता है गुरु नानक देव को कि भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर भोजन नहीं होगा, रोटी की निश्चिंतता नहीं होगी, तो बिना रोटी के कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन वो जरूर ये कहते हैं कि संग्रह नहीं करना चाहिए, ये संग्रह का विरोध करते हैं। वो ये भी कहते हैं मेहनत और मजदूरी से अपनी जीविका का अर्जन करना चाहिए, और मेहनत और मजदूरी से जो हम अपनी जीविका का अर्जन कर रहे हैं उसका कुछ अंश, दशबंध, दसवां अंश हमें जो है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो मजबूर है, उन लोगों की, जो एक तरीके से उपेक्षित और दलित और पीड़ित मानवता है,
उस मानवता के ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। ये उनका सामाजिक चिंतन, ये सामाजिक दृष्टिकोण हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है। दिक्कत कहाँ है मित्रों? दिक्कत ये है कि गुरु नानक देव को पंजाब वालों ने अपना मान लिया। अगर वो गुरु जो वाणी है वो अगर देवनागरी लिपि में है तो वो वैसे ही वाणी है जैसे जो है कबीर की है, जैसे दादू की है, जैसे रज्जब की है, कुछ अलग नहीं है, ब्रज भाषा में है, इतना ही फर्क है। अगर हम कबीर को समझ सकते हैं तो नानक को क्यों नहीं समझ सकते हैं? लेकिन लिपि के कारण से ये दिक्कत हो रही है। उद्देश्य उनका उस समय वही था कि चूंकि गुरु नानक देव जी विचारक थे, साधु थे, संत थे, उपदेशक थे, समाज को एक नई दिशा ले जाने वाले थे, इस नाते सीधी बात को सीधे ढंग से वो कहना चाहते थे। उनकी वाणी में ये सीधी बात और सीधा ढंग बड़ी सफाई के साथ, बड़ी अच्छाई के साथ, बड़ी श्रेष्ठता के साथ विद्यमान है। और उनकी पूरी की पूरी रचना, पूरी वाणी सबकी समझ में आने वाली बात है। और अपना रोजमर्रा अनुभव है, जो हमारे जीवन के अनुभव है, जो हमारे समाज के अनुभव हैं, वो समाज के अनुभवों को, जीवन के अनुभवों को बड़े सीधे ढंग से समाज के सामने रखते थे। समाज के सामने रख करके समाज को जगाना चाहते थे। उनके भीतर की जो शक्ति है, जो चेतना की निर्मलता है, जो संस्कृत का औदात्य है, उस औदात्य को, उस निर्मलता को वो समाज में फैला देना चाहते थे। ये उनका उद्देश्य है, ये उनका जो है कर्तव्य है, यही उनकी प्रतिबद्धता है। इसी कारण से, इसी सफाई और सच्चाई के कारण से आज हम 500-600 वर्षों के बाद भी गुरु नानक जी को बड़ी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में ही बैठ करके नहीं, पूरे देश में और पूरे विदेशों में बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर सब मिला करके इन सारी डॉक्टर कंधवे जी की, डॉक्टर परविंदर शर्मा जी की, डॉक्टर मंजू रेड्डी जी की, इन सारी लोगों, सारे लोगों के वक्तव्यों को और विचारों को ध्यान में रख करके अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हम इस नाते याद कर रहे हैं कि गुरु नानक देव की वाणी किसी जात की वाणी नहीं है, किसी धर्म की वाणी नहीं है, किसी संप्रदाय की वाणी नहीं है, किसी देश की वाणी नहीं है, किसी काल की वाणी नहीं है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, देश और काल निरपेक्षता की महावाणी है। वो जात विहीन समाज की स्थापना करती है, वो वर्ण विहीन समाज की स्थापना करती है, वो ऊंच नीच विहीन समाज की स्थापना करती है, वो लोक भलाई की बात करती है, लोक के संस्कार की बात करती है। और बेहतर मनुष्य, एक मनुष्य कैसे बेहतर मनुष्य बन सकता है और बेहतर मनुष्य कैसे बन सकता है, इसकी संकल्पना और इसका सूत्र हमारे सामने जो है रखती है। इतना ही नहीं, वो मानव की आदर्शता। मैं तो बार बार इस चीज को भी कहता हूं कि भारतीय संविधान की बात छोड़ो, ये अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हटा दिया जाए तो गुरु नानक देव जैसे संतों और भक्तों की वाणियों में जो साधु और असाधु को अंग है, इन सबको मिला करके अगर उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी प्रदान कर दिया जाए तो वही भारतीय संविधान बनता है, वो विश्व का संविधान बनता है, वो मानवता का संविधान बनता है। क्योंकि गुरु नानक की वाणी हमारी प्राण साधना है। प्राण की कोई न जाति होती है, न धर्म होता है, ना कोई स्थान होता है, ना कोई काल होता है। तो जिस तरीके से कोई योगी प्राण साधना करता है, वैसे ही गुरु नानक देव की वाणी प्राण साधना की वाणी है। प्राण साधना के बिना जैसे हम इस जीवन को सफल सार्थक नहीं कर सकते हैं, भौतिक जीवन को सार्थक नहीं कर सकते, लौकिक जीवन को सार्थक नहीं कर सकते, वैसे ही हम पारलौकिक जीवन को भी सार्थक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में गुरु नानक देव की वाणी विचारणीय है, आचरणीय है और अपने व्यवहार में उतारने योग्य है। ऐसे ही भक्तों, ऐसे ही संतों, ऐसे ही ऋषि मुनियों के कारण से ये भारत भूमि, ये भारत की धरती, ये हरियाणा पंजाब की धरती, ये विश्व की धरती धन्य हुई है। और इसी धन्यता का एहसास हमें गुरु नानक देव कराते हुए चलते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सदा उपक्रम करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये सारे के सारे आयोजन जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद का आयोजन है, उसकी रीढ़
हमारे प्रियवर डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी, और उन्हीं के कंधों पर ये सब कुछ टिका हुआ है। बड़ी बड़ी सफलता के साथ वो सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम अध्यक्ष के नाते बहुत निश्चिंत रहते हैं। और एक चीज ये कहा जाता है, हमारा शास्त्र और हमारी संस्कृत कहती है कि जो है वो गुरु जो है सदा शिष्य से पराजय की इच्छा करता है। गुरु शिष्यात् पराजय में छेद, कैसे शिष्यों से पराजय की इच्छा करता है? योगेश जैसे शिष्यों से पराजय की इच्छा करता है। और ऐसे ही शिष्यों को पा करके हमारे परिषद में डॉक्टर मनोज जी हैं, डॉक्टर योगेश जी हैं। ये लोग हमें जैसे परिवार का एक मुखिया बना दिया जाए, उसको कहे आप आराम के साथ बैठो, उसी भाव से हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, हमें आनंदित कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु नानक देव से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग बहुत यशस्वी हों। और इसी शिद्दत के साथ, इसी गंभीरता के साथ जो साहित्य की, समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन आप सभी लोगों को। धन्यवाद गुरुवर, आपका आशीष मिला, आपका एक एक शब्द गदगद कर देने वाला, बतलाने वाला कि क्यों आज हम 550 वर्ष पश्चात भी गुरु नानक देव को याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके प्रकाश यात्रा हमें निरंतर ताकत दे रही है। उनके जो जीवन के सिद्धांत हैं, जो उनका दर्शन है, चाहे वह गृहस्थ को लेकर के हो, चाहे नारी को श्रद्धा देने को लेकर के हो, हमारा सदा मार्गदर्शन करने वाला है। उन्होंने जो हमें समाजवाद का सिद्धांत बतलाया, बांट कर खाने की बात कही, सम की प्रतिष्ठा करने की बात कही, यदि हम आज अपने जीवन में उसे धारें तो निश्चित रूप से वास्तविक समाजवाद आ सकता है। उनका समस्त दर्शन मानवता को बेहतर करने का दर्शन है। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह भी आपने बतलाया। निश्चित रूप से आपके इस अध्यक्षीय वक्तव्य से आज के यह कार्यक्रम की अत्यंत सार्थकता सिद्ध हुई है। मैं आपके चरणों में नमन करता हुआ आप सभी इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करता हुआ, डॉक्टर आशीष कंधवे जी, डॉक्टर मंजुलता रेढ़ू जी, डॉक्टर परविंदर शर्मा जी जिन्होंने वक्तव्य दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ, श्री संतोष कुमार जी जो राष्ट्रीय कला केंद्र से आज मेजबान के रूप में उपस्थित हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। श्री संतोष कुमार मोगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। मैं संतोष कुमार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा के द्वारा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के जो बहुमूल्य हीरे हैं डॉक्टर केश जी, योगेश वशिष्ठ जी को मैं बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम का विषय श्री गुरु नानक देव जी का जीवन एवं उनका साहित्य को सार्थक करता हुआ बहुत ही सुंदर वक्तव्य। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर आशीष कंधवे जी, संपादक गगनांचल भारतीय संबंध परिषद का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया है। इसके अलावा मैं मैडम जो हमारे बीच मंजू रेडू जी उपस्थित रहे, जिनसे हमारे बीच जुड़े रहे, उनके भी विचार हमें सुनने को मिले। डॉक्टर परविंदर शर्मा जी जो बठिंडा से डॉक्टर डीटीपी मालवा विश्वविद्यालय महाविद्यालय बठिंडा से जो हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जीवन साखियों के बारे में रोशनी डालते हुए भाई गुरदास जी की वाणी की चर्चा की। कार्यक्रम अध्यक्ष श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर राम साजन पांडे जी जो अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा प्रांत का में हमें मार्गदर्शन रूपी गुरु नानक देव जी के संबंध में प्राप्त हुआ। आपने अपने शब्दों में गुरु नानक देव जी को हिंदू का गुरु, मुसलमानों का पीर, समाजवाद की चेतना,
अध्यात्म व मेहनत मजदूरी से अपनी आजीविका का आनंद गुरु नानक देव जी का अपने चिंतन व निचोड़ में बताया। आप सभी को मुझे सुनकर मुझे बहुत ही कुछ सीखने और जानने को मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सत्संग में बैठे हैं और उस सत्संग में से ज्ञान की धारा बह रही है। इसके अलावा मैं कार्यक्रम के संचालक योगेश वशिष्ठ जी का जितना धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। इनके प्रयत्नों से ही ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें ये 5वां कार्यक्रम जो हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा जो चल रहा था, इस कार्यक्रम में श्री प्रवीण आर्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया। इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, डॉक्टर अचर पांड्या जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सुयोग्य प्रयासों से हम इन सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं इस गुरु नानक देव जी की जो 550वें जन्म शताब्दी के संबंध में जो टीम हमारी काम कर रही है, उसका भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। और परमात्मा से मैं अर्ज करता हूँ कि इन सभी पर उसकी कृपा बनी रहे। इसके अलावा मैं आज के श्रोताओं का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। श्रोता हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही जरूरी अंग है और जो कि शुरू से लेकर खीर तक हमारे बीच हैं और निरंतर इस कार्यक्रमों को सुनकर अपने इसको जीवन में उतारेंगे। भारत सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके द्वारा 550वें श्री गुरु नानक देव जी के संबंध में यह कार्यक्रम का आयोजन के लिए कमेटी बनी और इन सफल कार्यक्रमों का भारत सरकार द्वारा सुयोग्य मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिल रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे भी आप इन कार्यक्रमों में जुड़े रहें, क्योंकि मेरा अभी एक कार्यक्रम और है। तो आप सभी से कार्यक्रम के लिए मैं इजाजत लेना चाहूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सभी वक्ताओं को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी समेत मेरे ढाका से विद्यार्थी कदरुज्जमान कमल तक जुड़े हैं। सभी वक्तागण का बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं के प्रति भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम फिर किसी का मैं अनुमति लेकर इस कार्यक्रम को समापन के लिए की ओर ले जाना चाहूंगा। सतनाम कर्तापुरत निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।